बालेश्वर सहर रे धीरे धीरे स्थिति स्वाभाविक हेउछि। आज 4 घंटा पई कोहळ करा जायछि। जिलापालक सूचना सकाळ 7टारु दिन 11टा पर्यंत कोहळ रहइबो कर्फ्यू। एहा सहित केवल लैंडलाइन फोन रे इंटरनेट सेवा मिलिबो। प्रथम पर्याय रे बैंक समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठान को इंटरनेट सेवा मिलिबा एवं आसंता 2 दिन पर्यंत स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहइबो बोली प्रशासन पक्षरु कहा जायछि। उभय गोष्ठी पक्षरु रुजु होइतपा 7टी मामला रे पुलिस 34 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। कर्फ्यू आईन उल्लंघन जोगु सहरर विभिन्न थाना रे 30 रु अधिक व्यक्ति को अटक रखा जायछि। तेबे संपर्क रे अधिक अपडेट दबा पई बालेश्वर सीधा सळ काम सहित आम प्रतिनिधि अभिजीत दास जोड़ी। अभिजीत, वर्तमान जेहेतु कर्फ्यू कोहळ करा जायछि, दिन 11टा पर्यंत कर्फ्यू कोहळ रहइबो, स्थिति केमती देखुछन्ती आपण बालेश्वर? निहाती भाव मंदाकिनी, जो गोष्ठी संघर्ष में 2 दिन कर्फ्यू लगि रही है और आज ही तृतीय दिन आप देखिपे मो पचरे ये होंगे फांडी छक चित्र। जेहेतु कोहल कर जनसाधारण मैंने सामान्य आश्वस्त होती कहीं जो अत्यावश्यक सामग्री वंचित थे कहीं देखा कर्फ्यू पर जो खाद्य गाड़ी कहू कि पर गाड़ी कहू से सबको आज कोहल कर ये जो चित्र देखते क्यों भाव ये गत कालीर चित्र जो आम देखु क्यों भाव जनशून्य कि आज ये सका सका 7टा बर्तमान 9टा है आप देखुए क्यों भाव लोकों भिड़ रही जो जो अत्यावश्यक सामग्री किणवाई लोकों मध्य गहली जंच अंपटे जो देखा जदिव किसीटा परिमाण में शांति फेरी केमी आर्ण रूपे बालेश्वर जो भाईचारा सहर अच्छी से भाईचारा सहर केमी शांति फेरी पाव से नहीं का जो आम देखा जो जिलापा कार्यालय एक हाई लेवल मीट बसला और यार पूरा समीक्षा करते एडी संजय कुमार ता सहित जिलापा एसपी और दुईज आडिशनाल आईजी से ही समीक्षा बैठक में खोद सांसद और विधायक उपस्थित थे। जो देखा गोटे प्रकार आम कहीपर जे कि स्थान में वर्तमान शांति फेरी आसी किपटे जो देखा जो संवेदनशील अंचल अच्छी सेटार जो देखा केन्द्रीय फोर्स जोदा बीएसएफ कथा कह सीआरपीएफ कथा कह पाखापाखि 7टी कंपनी जो फोर्स से डेप्लॉय होती जदि आम जिलापा सूचना कथा कह तेज जेहेतु बर्तमान कर्फ्यू को कोहल कर आगुम कर्फ्यू जमी रही है आप तृतीय दिन कथा कहते आज तेणु कलाबजारी सेमती किसी आप देखुं कि नजर आपणकर रही कि प्रशासन पक्षर तदारक कर अभिजित निहाती भावे पंदाखिनि ए विषय में आम का जिलापा सहित आलोचना करूँ कहीं कर्फ्यू पर विभिन्न स्थान में कला बजारी हुए और आज आम चित्र देखु पेट्रोल पंप क्यों भाव गहली से नहीं जिलापा कौटी ना कौटी जदि कला बजारी हुए तेने पुलिस प्रशासन पक्षर कड़ा कार्यानुष्ठान हम कहीं प्रत्येक आम जो देखा प्रत्येक गोदाम घरे माल महजूद अच्छी किंतु जो मैंने असाधु व्यवसायी से कौटी ना कौटी या कला बजारी करती तो या कड़ा कार्य अनुष्ठान हेबो। आउ गोटे कथा जदि मंदाकिनि कहिबा वर्तमान 10टी एफआईआर रजिस्टर होइछि 10टी एफआईआर रु आखापाखि 35 जन को कोर्ट फॉरवर्ड कराइछि कर्फ्यू नियम उल्लंघन जो मैंने करछन ताकू पाखापाखि 45 रु 50 जन को अटक रखाइछि। सीधा सळक आमे दोकानी सहित आलोचना करिबु भाईना कर्फ्यू खोलिला अनेक समय आम देखीछु दरदाम वृद्धि हुए आप दरदाम केमती रखुछन? आम दरदाम बहुत कमी आला आज्ञा जे आमर किणा थिला 90 टंका भाईगण बोली ताको आम 70-80 बिकुचे कारण ये तीन दिन है जो बंद है जहाँफल कि आम जिनस बहुत नष्ट डागी पची नष्ट मोर ये दुकान माल थिला कम से कम 6000-7000 टकर माल बर्तन मुता मतर बिकुचु कहला मोटा अंकर बिक्री करूना बिक्री करुचे कि पूरा लस ही लस बिक्री भी करते पड़ो जाऊ सरकार दयु दिन 11टा बंद खुली आम किसी बिकी जाऊे। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।